दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, शायद उड़ती उड़ती खबरें आ रही है कि महाराष्ट्र स्टेट को एक नया सीएम मिलने वाला है। अजीत पवार की शक्ल में महाराष्ट्र को एक नया सीएम मिलने वाला है, और ऐसा भी नजर आ रहा है कि कुछ मनमुटाव चल रहा है। स्टेट के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच में, और जैसा कि बीजेपी ने सोची थी कि अगर हमने एकनाथ शिंदे को उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना से अलगी करी या दरार डाली, या इनके जो 40 बिगनिंग में एमएलए थे, रेबल एमएलए थे, मजीद उसके बाद बढ़ गए, तो इनके अंदर पार्टीशन करके दो शिवसेना बना के हमें कुछ फायदा होगा। लेकिन सेंट्रल की दिल्ली सरकार को इससे कोई फायदा नजर नहीं आया। तो अब ये सोच रहे कि जब हमें एकनाथ शिंदे और उसके रेबल एमएलए से कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो फिर इनके साथ दोस्ती रख के मतलब क्या है। और हाल फिलहाल में जो शरद पवार का भी स्टेटमेंट आ रहा है, अजीत पवार का भी स्टेटमेंट आ रहा है, देवेंद्र फडणवीस का भी जो स्टेटमेंट आ रहा है, और जो नाराजगी नजर आ रही है एकनाथ शिंदे की खुले तौर पे, और हम भी थोड़ा न्यूज़पेपर ज्यादा ही पढ़ते हैं और यहाँ वहाँ भी थोड़ा रिसर्च करते रहते हैं, तो हमें भी उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि मई के फर्स्ट वीक में महाराष्ट्र स्टेट को नया सीएम मिलने वाला है अजीत पवार की शक्ल में। और अजीत पवार 40 एनसीपी के 53 में से 40 एनसीपी के एमएलए को लेके बीजेपी से हाथ मिलाएंगे, और इन दोनों की सपोर्ट में, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी के सपोर्ट में महाराष्ट्र में एक नई हुकूमत का कायम अमल में आएगा, जो एक साल तक चलेंगी, क्योंकि अगले साल फरवरी या मार्च के बीच में असेंबली इलेक्शन होगा 2024 में महाराष्ट्र स्टेट में। और यहाँ पे अगर अजीत दादा पवार 53 में से 40 एमएलए लेके जाके मिल जाते हैं देवेंद्र फडणवीस बीजेपी से और हुकूमत बनाते हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसी तकलीफ नहीं होने वाली कि इनके 40 एमएलए में से किसी को मान्यता रद्द कर दे, डिस्चार्ज कर दे, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो हमें भी ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट वीक ऑफ मई यकीनन 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 अजीत दादा पवार स्टेट के सीएम बन जाएंगे। खुदा हाफिज। Friends, if you think that this video is valuable, then please do like, share, comment, subscribe, and please press the bell icon button. Thank you.